नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हॉट कुकर मील योजना का शुभारंभ करेंगे, वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को सीएम ने भोजन भी कराया है। बता दें कि योजना के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म भोजन परोसा गया है। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वही सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक हॉट कुक्ड मील योजना के शुभारंभ के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और करीब 12 बजे रामलला के दरबार पहुंचकर रामलला की आरती करेंगे, जिसके ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। उस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के विकास कार्यो की समीक्षा एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। वही पुलिस लाइन के कंपोजिट विद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को भोजन परोसा है। उन्होंने बच्चों को खिलौना दिया है और बच्चों के साथ दुलार करती हुई एक बार फिर से तस्वीरें अयोध्या से सामने आई है। इसी के साथ कुक्ड मील योजना का शुभारंभ सीएम ने किया है, जिसके ठीक बाद सीएम योगी रामघाट तिराहा स्थित बड़ा भक्त माल मंदिर जाएंगे। यहां गर्भगृह में सीताराम की मूर्तियों को सोने का मुकुट पहनाएंगे। उस मुकुट को बनाने में 1 किलो का सोना लगाया गया है। यह मंदिर रामलला के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अयोध्या में तकरीबन 3 घंटे का समय बिताएंगे और वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन करते हुए भव्य राम मंदिर को भी देखते हुए नजर आएंगे। पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कानपुर में रहेंगे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और मिली जानकारी के मुताबिक उनका कानपुर देहात जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात स्थित पवन तनय आश्रम भावपुर रेलवे क्रॉसिंग कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहां से धीरेन्द्र शास्त्री 2 बजे छतरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर और कानपुर देहात के कार्यक्रमों के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को Y+ की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर कानपुर के साथ ही कानपुर देहात की पुलिस भी एक्टिव कर दी गई है। तो Y+ सुरक्षा में रहेंगे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। पहले कैंट के मंटोरा हादस जाएंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कानपुर आएंगे। यहां 2 स्थानों पर रुकने के बाद वो कानपुर देहात के लिए रवाना होंगे। गुरुवार को उनकी यात्रा के लिए एक कार्यक्रम की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस सक्रिय हो चुकी है। बागेश्वर जन समिति छतरपुर की ओर से नितेंद्र चौबे ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आज कानपुर आने का पूरा कार्यक्रम बीते दिनों जारी किया था, लेकिन अब उस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पहले उन्हें सुबह 8 बजे तक कानपुर पहुंचना था, लेकिन अब वो तकरीबन 11:30 बजे तक का वो समय होगा जब कानपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो कैंट स्थित मंटोरा हाउस जाएंगे। यहां से सुबह 12 बजे अशोक नगर स्थित सुनील शुक्ला के आवास पर भी पहुंचेंगे। तो दीपक फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए इस वक्त पूरे यूपी में चुनावी शोर सुनने को मिल रहा है। हर एक पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं, चुनावी बिसात बिछा रही हैं। इसी बीच पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर नगर और कानपुर देहात जाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और सियासी लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? दीपक, बिल्कुल आपको बता दें कि आज धीरेन्द्र शास्त्री का दौरा है, वो कुछ ही देर बाद कानपुर के कैंट पहुंचेंगे। वहां के बाद फिर वो सुनील शुक्ला उनके निवास निजी निवास अशोक नगर पहुंचेंगे, जहां पर वो मीडिया से बात करेंगे और इसके बाद यहां से कानपुर देहात जाएंगे। अगर वही बात करें राजनीतिक लिहाज से, तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाती रही कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री है वो भाजपा का जो है प्रचार करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार राजनीतिक मायने कितने माने जाएंगे और विपक्ष उन पर क्या। बिल्कुल ठीक है दीपक। देखिए अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब कानपुर वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। क्या इस कार्यक्रम में कोई नेता भी मौजूद रह सकता है? क्या इसको लेके कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि कोई राजनेता यहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि
जो कृष्णदास वीरेंद्र शास्त्री के जो प्रेमी हैं वो जो है लगातार यहाँ है, साधु संत हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे 454 व्यवस्थाएं की गई है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी बिजली घर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं ताकि ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ जनता को मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन समय से कराकर ब्याज पर 100% छूट का लाभ भी पा सकते हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी एक मुश्त समाधान योजना के लिए BKT डिवीजन से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली है। इस जागरूकता रैली को BKT विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला और मुख्य अभियंता लेसा प्रथम सुनील कपूर और ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता ने BKT विधायक योगेश शुक्ला और मुख्य अभियंता लेसा से खास बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब की बार यहाँ पर एकमुश्त समाधान योजना का शुरुआत किया। उसके बाद ऊर्जा मंत्री के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में OTS योजना के लाभ के लिए लगातार एक कवायद की जा रही है। तो अगर आज बात की जाए तो BKT डिवीजन के GPRO केंद्र पर यहाँ से एक हरी झंडी दिखाई जा रही है। OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना, एकमुश्त समाधान योजना, जो भी बिजली के बकायेदार हैं, बड़े बकायेदार हों या छोटे बकायेदार हों, उनके लिए ये समाधान योजना लाई गई है, जिसके लिए एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर मौके पर हमारे साथ मुख्य अभियंता भी मौजूद है और क्षेत्र के विधायक, BKT विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी मौजूद है। उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर आप इस समय हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था है सरकार ने की है और क्या फायदा मिलने वाला है। बिजली के इतिहास में सबसे पहली बार है जितनी छूट लोगों को मिलने जा रही है। OTS योजना सभी समस्याओं का, बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान है। यहाँ तक कि जो थेफ्ट के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, उनका भी निस्तारण होगा। उसमें 65% साइट छूट होगी, 35% केवल लिया जाएगा। तो मुझे लगता है इससे अच्छी योजना नहीं आ सकती। इस समय जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, किसी भी मामले में हो, चाहे वो तो चोरी का मामला हो या बिजली ना बिल ना दे पाए हों या किसी कारण से उनका कनेक्शन कटा होगा, तो समाधान करवा लें। इससे अच्छी योजना मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके समाधान करवा लें। देखिए, ये BKT विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने अपील की है कि इस समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराने। हमारे साथ मुख्य अभियंता भी मौजूद है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सुविधा मिलने वाली है और कितने प्रतिशत तक का छूट मिलने वाला है। विद्युत विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा है और मेरे ख्याल से पहली और आखिरी बार ये होगा कि इसमें जो चोरी के जो प्रकरण है उसमें अधिकतम 65% की छूट मिल रही है। इसका लाभ हम लोग का प्रयास है कि सभी जन जन तक ये योजना पहुंचे, उसके बारे में पहुंचे और उसका सब लोग लाभ उठा सके। इसी के साथ ही जितने भी जो बिल बकाया है बिजली के, उनके भी जो ब्याज की जो अधिभार है उसकी छूट है पूरी, और उसको ये छूट जो है 100% जो छूट है वो 30 नवम्बर तक की है। तो हम लोग का प्रयास है 30 नवंबर के पहले ही सभी लोग अपना इसका लाभ उठा लें। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की जा रही है और हरी झंडी यहाँ से दिखाया जाएगा। यहाँ पर ये जो झंडी दिखाई जा रही है और ये एक मुश्त समाधान योजना की जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैलाई जाएगी और जागरूकता के तहत ये पूरी जानकारी जो दी जा रही है क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दी जा रही है कि क्षेत्र के उपभोक्ता किस तरीके से अपने बिजली का बिल जमा करे समय से और बिजली के बिल में जो छूट सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उस छूट को वे प्राप्त कर सके। तो ऐसे में बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ये एक रैली के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से वो लगातार इस चीज की कवायद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रैली है वो ये रैली सफल मानी जाएगी तब जब सभी 100% उपभोक्ता यहाँ पर पहुंच कर अपने एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। अगली खबर हरदोई से है, जहां दो सगी बहनों ने दो भाइयों से शादी की है, जिसके बाद वो दोनों दूसरे दिन ही पत्नियों को लूटकर फरार हो गए। दरअसल 80,000 रुपए के बदले ये शादी हुई थी, जिसके तहत वो व्यक्ति दो सगी बहनों को लाया और दोनों भाइयों की शादी करा दी। शादी के दूसरे दिन ही ससुरालियों को दोनों दुल्हनों ने भंडारे से आई खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और जैसे ही सब बेहोश हो गए तो रात के वक्त दोनों दुल्हन नकदी और जेवर के साथ ही मोबाइल लेकर फरार हो गई।
पीड़ित ने थाने पर जाकर दोनों दुल्हनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। अब खबर संबल से है, जहां कल्कि महोत्सव में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनका स्वागत किया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कल्कि धाम में कल्कि भगवान का अवतार होगा, वहीं इस उत्सव में सदगुरु केशव जी महाराज और राज्यपाल समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां राज्यपाल ने भक्तों से कल्कि भगवान के विषय में चर्चा की और कहा कि ऐसे पर्वों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। एकात्मता किसे कहते हैं? एकात्मता दुनिया में जितनी संस्कृतियां, इसे आलोचना मत समझिएगा, हर किसी को अपने अपने तरीके से विकसित करने का अपने आप को। अब खबर औरैया से है, जहां लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने विद्यालय में पहुंचकर रागिनी शाह के कांस्य पदक विजेता समेत सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही उनके दोनों कोच का भी सम्मान किया है। सांसद की ओर से कांस्य पदक विजेता को 11,000 रुपए का पुरस्कार और अन्य 5 खिलाड़ियों को 2100 रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालय के लिए 5,00,000 रुपए और वाटर कूलर देने की घोषणा की गई है। वही प्रिंसिपल सूबेदार समेत सभी स्टाफ ने सुब्रत पाठक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सांसद जी, आज अरवा कटरा ब्लॉक में 2 कार्यक्रम आपके लगे, क्या कार्यक्रम थे? क्या कार्यक्रम? आज विद्यालय में मोबाइल वितरण का कार्यक्रम था और यहाँ के ऊपर जो हमारे कुछ बहन ने जिस प्रकार से इस विद्यालय का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, स्टेट लेवल के ऊपर उसका चयन हुआ है, अन्य बच्चों का मंडल लेवल पर चयन हुआ है, ये बड़े खुशी की बात है। खास कर ये सुदूर क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, यहाँ से यदि बच्चे इस तरीके के परफॉर्म करते हैं तो उससे निश्चित रूप से अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है। मुझे जानकारी हुई थी तो उसी के आज इन बच्चों के सम्मान के कार्यक्रम में मैं यहाँ ऊपर आया था। जी, ओके सर। खबर देवरिया से है, जहां दीनदयाल पार्क में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जहां तुलसी बारात न्यू कॉलोनी के संकट मोचन मंदिर होते हुए दीनदयाल पार्क में पहुंची, जहां 9:00 के शुभ मुहूर्त पर तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। वहीं इस विवाह में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आयोजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए, सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए, आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं।